अस्सलाम वालेकुम, गुड डे ऑडियंस। किसी भी मुल्क के स्टॉक एक्सचेंज को चलाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे एक्शन लेती है, स्टेप्स लेती है। तो इसी स्टेप्स में से एक स्टेप यूएस गवर्नमेंट ने भी लिया और वहाँ एक फ्री ऐप लॉन्च की गई रॉबिन हुड के नाम से, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म में एंट्री के कोई चार्जेस नहीं थे, इसमें जीरो कमीशन था, शेयर्स खरीदो बेचो कमीशन है ही नहीं। तो ये एक अट्रैक्शन थी कि एक आम आदमी भी इन्वेस्ट करे, और यूएस की कई 100 मिलियन की पॉपुलेशन है, अगर उसमें से 25% पॉपुलेशन भी इन्वेस्ट कर दे तो और रोज की ट्रेडिंग करे तो कितने बिलियंस का वॉल्यूम और इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन पता नहीं कितना हो सकता है। अब इस ऐप के थ्रू जो लोग ट्रेड करते थे उनका नाम कहलाया रॉबिन हुडर्स, ये जवान जोशीले लोग। अब इन रॉबिन हुडर्स को बूम कब मिला? कोविड में। क्योंकि क्या हुआ, कोविड में लोगों की जॉब चली गई, लॉकडाउन हो गया, लोग घर आके बैठ गए, और साथ साथ गवर्नमेंट ने सबको स्टिमुलस चेक दिया, यानी फ्री का यूएस गवर्नमेंट ने सब में पैसे बांटे ताकि इकोनॉमी बूस्ट करे। तो जब ये पैसा फ्री का था, ये ऐप फ्री की थी, कोई इसके चार्जेस नहीं थे एंट्री एग्जिट, और लोग भी जोशीले नौजवान मिलियन सारे मिलियनर जमा हो गए थे और ना इनकी कोई रिसर्च होती है, तो ये सब मार्केट में घुस गए और ये लोग $1 का खरीदते थे, 10 पेंस कमाए, इंजॉय करा पार्टी की, ये लाइफ। अब मार्केट में दो तरह की मखलूक होती है, एक वो होते हैं जो लॉन्ग पोजीशन पे काम करते हैं, जो आम आदमी होता है जो पहले खरीदता है और फिर बेचता है, और ये वो लोग होते हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं मार्केट ऊपर जाएगी तभी कमाएंगे। और एक और शैतानी मखलूक भी मार्केट में होती है और वो होते हैं शॉर्ट सेलर्स, जिसको हम देसी जवान होते हैं भाटे मारने वाला। जो स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलर क्या करते हैं, वो पहले चीज स्टॉक बेच देते हैं ऊपर के रेट पे, और जब वो स्टॉक गिरता है ना तो नीचे खरीद के उसकी डिलीवरी दे देते हैं। तो आसान लफ्जों में वो गिरती हुई मार्केट में कमाते हैं, यानी पहले बेचते हैं महंगे रेट पे बोरो करके, और फिर जब वो शेयर नीचे आ जाता है तो उसको खरीद के सेटल कर देते हैं। तो शॉर्ट सेलर हमेशा एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि प्राइस नीचे जाएगी और वो दुआएं मांगता है कि मार्केट गिरे, वो शेयर प्राइस गिरे। ये शैतानी मखलूक। अब ये जो जोशीले नौजवान थे जिनको हम रॉबिन हुडर्स कह रहे हैं, ये मिलते गए और एक ग्रुप बनता गया, एक पावर बनती गई, और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी एक्टिव हो गए। तो एक प्लेटफॉर्म है रेडिट के नाम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां इन्होंने एक पेज बनाया वॉल स्ट्रीट बेट के नाम से। अब इसमें से कुछ काबिल लोगों ने देखा कि एक शेयर है जीएमई स्टॉक के नाम से, गेम स्टॉप लिमिटेड के नाम से एक शेयर है, और इन्होंने कहा कि कुछ हेज फंड्स ने, जिनमें एक मेलविन कॉर्पोरेशन का नाम बहुत आगे आ रहा है, उन्होंने इसको हैविली शॉर्ट किया हुआ है, शॉर्ट सेल किया हुआ है। सवाल ये कि ये हेज फंड ने शॉर्ट सेल क्या क्यों था, यानी इसकी भी रीजन सुने। इसकी वजह ये थी कि गेम स्टॉप लिमिटेड जो थी ना, ये फिजिकल इनकी शॉप्स थी जो गेम्स वगैरह और ये सारे कंसोल और ये सब चीज़ें सेल करते थे। तो जब लॉकडाउन हुआ तो चांसेस ये थे कि लोग फिजिकली इनके पास जाके खरीद नहीं सकते, और से सुनिएगा, तो अब लोग ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट होंगे और ऑनलाइन में जो बादशाह है वो अमेज़न है। तो गेम स्टॉप लिमिटेड के चांसेस ये थे कि इसके सेल्स वगैरह कुछ गिरेगी, तो इस वजह से इन्होंने शॉर्ट सेलिंग की बैट लगा दी थी हेज फंड्स ने। सेम इज द केस विद एएमसी थिएटर, एएमसी सिनेमा भी है, यूएस में जो लोग रहते हैं उनको तो पता होगा, वहां तो हर जगह ये एएमसी थिएटर हैं। तो लॉकडाउन में ये सिनेमा में भी लोग नहीं जा सकते कोविड की वजह से, रिस्ट्रिक्शन की वजह से, इन हाउस होता है नॉर्मली। तो ये दोनों स्टॉक पे लंबी शॉर्ट सेलिंग चल रही थी, हमारा प्रोडक्ट जो जिस पे मैं बात कर रहा हूँ जीएमई स्टॉक है, यानी गेम स्टॉक। अब क्या हुआ, इन लोगों ने देखा, इन जोशीलों ने, इन्होंने कहा यार ये शॉर्ट सेलर हमेशा मार्केट गिराते हैं और यार ये बड़ी गंत कर रहे हैं और ये शेयर को गिराएंगे, तो इन्होंने कहा व्हाई डोंट वी बाय, हम मिलकर बाय करते हैं और शेयर को धक्का लगाते हैं। ये जवान के बच्चे घुस गए और शेयर ऊपर जाने लगा। तो अब जरा सोचें, जब शेयर ऊपर जाने लगा तो शॉर्ट सेलर की चीखें निकल गई, शॉर्ट सेलर ने $2 के हिसाब से सेल किया हुआ था, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे एक पे आएगा तो हम कमाएंगे, शेयर हुआ 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, तो अब एक टाइम आया कि उनकी भी चीखें निकल गई और उनको भी सौदा सेटल करना था। तो वहां से ब्रोकर्स ने बोला भाई आप पेमेंट करो यार, सेटल करो, यानी अब आप हमें खरीद के डिलीवरी दो, जो आपने पहले बेचा था अब खरीदो। तो उनको भी मजबूरन सौदा काटना पड़ा और वो भी अल्टीमेटली इस बाइंग की रेस में लग गए, तो यहां से एक और धक्का मिला। अब जब शेयर प्राइस ऊपर जाने लगी तो आपको पता है हमारे यहाँ हर्डिंग बिहेवियर, अवाम उन्नास भी घुस गई, अवाम उन्नास में भाई क्या दौड़ दौड़ दौड़, ये के शेयर कई 100%, कई 1000% ऊपर निकल गया, यानी एक अंधी तेजी आ गई इसमें। अब इस पे सोने पे सुहागा क्या हुआ, एक और इलॉन मस्क ने भी इसमें एक धक्का लगा दिया। इलॉन मस्क तो आजकल मार्केट के अब्बू बने हुए हम सब जानते हैं, उसने भी ये स्टेटमेंट दे दी ट्वीट में कि यार ये शॉर्ट सेलर्स गलत हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये गलत एक्टिविटी है और ये अच्छा काम कर रहे हैं रॉबिन हुडर्स। तो यूं यहां से एक और धक्का लग गया। अब आप यकीन करें, देखें ये इतनी तेजी आई इन दिनों में, ये लास्ट वीक में ऐसी तेजी आई कि लोगों ने बाकायदा टेस्ला एप्पल वगैरह के शेयर से ध्यान हटा के यहाँ घुस गए। यानी एक टाइम आया था अभी लास्ट वीक के बाकी पूरी मार्केट रेड हो गई थी लेकिन ये शेयर चल रहा था, यानी लोगों ने टेस्ला वगैरह छोड़ दिया था, यानी इतनी तेजी। अब
इस पूरी कहानी में, अब जरा सुने, ये हेज फंड्स भी बच्चे नहीं थे, हेज फंड्स पुराने पुराने पले हुए लोग थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने असर रसूख यूज किए और इन्होंने इन ऐप्स के साथ कॉन्टैक्ट किया और इन ऐप्स को, जितनी भी ट्रेडिंग ऐप्स थे ना, उनको बैन करवाया। उनको बोला यार हमारा शेयर, अब ये वाला जो शेयर है ना, ये और बाइंग ना आए। तो उन्होंने इन सबको बैन करवा दिया और ये सब यानी अंदर ही अंदर इन्होंने हाथ मिला लिए। तो ये जितनी भी रॉबिन हुडर्स की ऐप थी, एक और है मेरे ख्याल से वी बुल के नाम से है, एक अमेरी ट्रेड के नाम से, इन सब ने अब इन ये सारी ऐप समझ लें क्रैश हो गई और अब आप इन पर बाय नहीं कर सकते, ये वाला शेयर बाय नहीं कर सकते। यानी ये अंदर ही अंदर ये लोग सब मिल गए ताकि शेयर प्राइस ऊपर ना जाए, लेकिन शेयर प्राइस स्टिल ऊपर जा रही है। अब इस पूरी कहानी में कुछ लेसन है, सबक है। पहला लेसन तो ये है, जो हम कहते थे ना बड़े चौड़े होके कि फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए शेयर के, टेक्निकल्स अच्छे होने चाहिए तो ऊपर जाएगा, ये शेयर बगैर फंडामेंटल बगैर टेक्निकल के ऊपर गया, बस बाइंग होनी चाहिए। एक नंबर टू, मुझे आज भी याद है 2016 में मैंने अपने कई सेशन में एक किस्सा कोट किया है। मेरा एक फ्रेंड था, मेमन दोस्त था, और वो कोई इतना बड़ा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएफए नहीं था, नॉर्मल पढ़ा लिखा आम आदमी था, और वो मुझे शेयर्स की टिप देता था, ये खरीदो वो खरीदो, और शेयर ऊपर जाता था। तो मैं उसे बोलता था यार क्या रीजन, न्यूज क्या है, वजह क्या है, वजह बताओ। तो मुझे हमेशा डांटता था यार तू पैसे कमाना, बोला बाइंग आएगी बस, मुझे पता है बाइंग आएगी, उसको पता होता था बाइंग आएगी, और वो मुझे यही बात बोलता था बस पैसे कमा यार, बोला बाइंग से शेयर ऊपर जाता है, तू क्यों फंडामेंटल और ये सब, यार ये हमें नहीं समझ में आता। आज मुझे उसकी बात समझ में आ रही है, सही कहता था। थर्ड लेसन, पावर ऑफ ग्रुप। लोग मिल गए, बड़ा पैसा इकट्ठा किया तो चीज में तेजी आ गई। एग्जाम्पल सुने, मुझे आज भी याद है मैं एक ऐसे इन्वेस्टर्स की गैंग में मिला था पाकिस्तान में, कि वो प्रॉपर्टी मार्केट में क्या करते थे, वो डिफेंस वगैरह वाली साइट पे जाके प्लॉट्स खरीदते थे। एक दौर में पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में बहुत तेजी आई थी, तो वो क्या करते थे, पूरी बेल्ट खरीद लेते थे, पूरी सारी एक रोड की सारे प्लॉट एक साथ खरीद लेते थे। वो इतना बड़ा ग्रुप बना लेता, कई 100 करोड़ मिला के उन्होंने पूरा प्लॉट, सारे प्लॉट खरीद लेते थे और बोलते थे नाउ वी आर प्राइस मेकर। बोला यानी पहले पहला प्लॉट कोई खरीदना आएगा तो भी हम खड़े होंगे, दूसरे पे भी हम, तीसरे, तो हम अपनी मन चाही प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो यार देखो ग्रुप, जब ग्रुप बन जाता है तो उसमें कितनी पावर आ जाती है। फोर्थ लेसन, बी वेरी एक्टिव नाउ। ये जो गेम चली ये कितनी स्पीड से चली, यानी जिन लोगों ने इसमें स्टडी कर रहे थे और एक्टिव थे उन्होंने पैसा बना लिया। और स्टॉक मार्केट का ये डायलॉग भी सही साबित हुआ, ट्रेंड इज फ्रेंड, ट्रेंड के साथ चलो। मैं इसमें एक चीज कोट करता हूँ जो लास्ट वीक हुआ है, ये जो क्रिप्टो करेंसी का एक कॉइन है डॉज कॉइन, मुझे आज भी याद है उस रात उस बंदे ने वही जो वॉल स्ट्रीट बैट वाला पेज है उस पर लिखा, वो कॉइन था 1/10 of a penny, उस कॉइन की प्राइस थी 1/10 of a penny उसकी प्राइस थी, एक पेनी का भी 1/10। और उस बंदे ने रात को लिखा कैन वी टेक दिस कॉइन टू $1, बस ये लिखना था। वो कॉइन जो भागा है 1/10 of a penny से, वो सुबह तक 8 penny हो चुका था, 8 penny यानी 80 times बढ़ चुका था। तो मैंने अपने एक स्टूडेंट से बोला हुआ यार वो कभी कभी मेरी इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो उसने रात के बीच में अचानक से उठ के मेरे $100 डाले तो वो सुबह तक $500 हो चुके थे। यानी ऐसी तेजी, इतनी स्पीडी तेजी। तो ये इसमें आपको यू नीड टू बी वेरी वेरी एक्टिव। और लास्ट पॉइंट ये भी आप देखें कि इस वक्त जो हमारी स्टॉक मार्केट भी आप चल रही है ना, इस वक्त जरा गौर से सोचें, वो भी इंडिविजुअल्स पे चल रही है। आप डेली के फिगर्स देखें तो आप देखेंगे इंश्योरेंस कंपनी की बाइंग 5-6 million, कुछ इस तरह कम ही है, कम मिलियंस में, ब्रोकर्स की बाइंग कम है, लेकिन इंडिविजुअल्स की बाइंग आप देखें 100-100 million। तो इस वक्त इंडिविजुअल हमारे यहाँ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी बहुत आ गया है। और मैं देख रहा हूँ कि इस एग्जाम्पल के बाद जो दुनिया में हुआ ना, अब कहीं भी ऐसा हो सकता है कि लोग मिलेंगे और किसी भी शेयर को ऊपर ले जा सकते हैं। और मैं देखता हूँ कई व्हाट्सएप ग्रुप में लोग देखते हैं, पाकिस्तान में भी कोई छोटा मोटा शेयर होता है तो एक ग्रुप मिलके लॉक लगा देता है, एक ग्रुप मिलके ले जाता है उसको अपर लॉक लगा देता है। तो वी नीड टू बी वेरी एक्टिव नाउ। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।